चरण जय हो जय हो अमरदास के बाबा अमरदास काए तोरे चरण कमल के सी भैया लागना तोरे चरण कमल के बाबा जी भैया लागना माता।
गैस तैयार करे रसोईला। पके हंडी की आरती ले वे दाई सुकुरा या बाबा घासीदास के आरती ले वे। आज अमरदास गुरु के आरती ले वे और लक्ष्मी के आरती लेके अब सबको बैठार के प्रतापपुर हिण माता सबको भोजन खिलाए। खत्म होने के बाद प्रतापपुर हिण माता इस समय प्रतापपुर में सुंदर डोला में आपस में के पहुंचा दी। अभी समय की आज गर्मी के दिन जेठ के महीना बुलक गए आ गए असाढ़ के दिन। बाबा घासीदास कहे बेटा कहना माना वाचन मानगा सुन ले बेटा मोरबा देला सुंदर पहना डोला लगा ये सजा ले आजे बेटा महीना ये गा माता के आने के बाद में बरसा चालू हो गए। अषाढ़ के महीना में वर्षा चालू हो गए। आज अभी के डेट में सावन भादो बुलक गए कोई नदिया नरवाहा पूरा नहीं आई। वो जमाना में जब वर्षा हो तो कई बार नदिया नरवाहा जेठे अषाढ़ में पूरा आ जाए। पानी चबके तब देख तो वही दिल में आज इस समय माता या जंगार मोती प्रतापपुर हिल मैया जी आज इस समय घर में पहुँचे है। सुन के आज इस समय जब दिन बीत गए अमरदास आज बाबा के पलंग बिछे और सब लोग भोजन देने के बाद में अपन पति स्वामी के लिए अंगारमती माता देख तो आती साज करके और मंदिर में सिधाए के लिए तैयार हो गए भाई। रागी भैया सबको भोजन पानी खिलाने के बाद में अपनों भोजन पाके और रात जब आज 9 बजे तो माता सपुरा कहे बेटी सुंदर याते आरती सजा ले और दिया जला के और चोवा फूल रख के और बेटा अमरदास के जा चरण के सेवा करबे। प्रतापपुर हिण माता आज समय एला सुनीता सुन ले दाई मोर कहे लाला तोरे चरण के बोलाय दो आज जय हो जय हो जय।
सपुरा के थे बेटी ता कैसे गोठिया थे जब इच्छे अपन बेटल मा नहात देखे हाँ और कहा के बधवा आगे कई घर में बोला थत्ता है भाई ए समय की आज इस समय माता सपुरा जब आई चना ओ जगह में आज इस समय की अमरदास गुरु खाएगा मोर बेटा आज है भावर पलंगा बेटा सोये जी भाई का या
सगुरु चाल रे माता कहे पति जहाँ ते जाबे वहाँ मैं तोर चरण के आधुल में मैं तर जाऊँ बरसा तो पानी में निकल गए अमरदास गुरु। जब मोर स्वामी ये मंदिर में नहीं थे मंदिर में रह के मैं का करी हूँ ये खरला वो कर साथ है महू चलाओ कह करके माता सिधागे आगे 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 आज इस समय अमरदास आवत है पाछे में प्रताप रह रेगा थे। जब भंडार से निकली तो याद देख तो भाजी चलते चलते आज इस समय ये वही मुंगेली के पास में पहुँच गएगा पहुँचे लगी भाई रागी भैया मुंगेली से आगे है जेला मोतिमपुरी और सोनपुरी ना के गाँव है दोनों बस्ती के बीच में यागर नदी चल है लगी भैया यागर नदी के धार में देख करके गुरु अमरदास यागर नदी में कूदे लगी भागी बेटी गाये हो इस समय की आज वहाँ पर में हाँ। ये सोनपुरी और मोतिमपुर गांव के दोनों के बीच में दोनों के बीच में आगर नदी बढ़े पूरा आवत है जय हो अमरदास गुरु देखे लगी कहे ओ हो ये तो आज इस समय प्रताप मैं तो कष्टों करके दौड़ के नाग जहाँ और वो पाछू मावत तेन कदाप नहीं नाग सके देखा लग कूदता आदि बड़े है पूरा यागर नदी में कूद गए भाई मोर वो द्रामा थे येला मोला बचाना जरूरी है कह के दूसर नदी के धार तोड़ करके दोनों पार और बीच में एक कुढ़ी बना करके गुरु अमरदास बीच नदी धार में रख ली भाई रागी भैया आज गंगा माता ये समय की वहाँ पर में रेती के वहाँ इस समय कुढ़ी बना दी वाह 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 वही में यद्धर अमरदास गुरु को खड़ा करा दी और गंगा माता मोरिया गल बागल गा माता मोरिया गल बगल से
प्रतापपुर हिन हटे माता हटा देन उही ऊंचा के पानी पिया देन उही पानी पिया के भाई जय हो दी प्रतापपुर हिन के थे आज पति मोर कारण हाँ। ये बढ़े नदी अगर के धार में कूद गए तो मैं ये जगह में कह रहा हूँ माता प्रतापपुर हिन जब एक दिन सत्य रही स्वयं मोर स्वामी मोला प्रघा के लगी तेने दिन अब चरण के सेवा बजा के करे लगी मगर वहाँ से प्रतापपुर हिन माता आज समय की वहाँ निकल गए और निकल के आज समय की वहाँ मोतिमपुर और सोनपुर इला छोड़ के प्रतापपुर हिन माता आज वहाँ से रेंगे लगी कहाँ चला रानी भैया धीरे धीरे गा माता चला थे गा सोचते वो मन सोचने लगे भाई रायपुर के आगे आज समय की बारह डेरा नाम के पद पर भात है जय हो माँ प्रतापपुर हिन कहे यही जगह को आसन है ओ जगह में जाके अटल पारण मैया कर देगा माता पारण करे माता प्रतापपुर हिन आज जाज के बारह डेरा में हाँ। अटल परण करी हाँ। जय मुले सात भावर याजी भावर पार के लाई जेकर मैं चरण की सेवा नहीं करे नहीं बजाया ओकर छा मोरिये हृदय में नहीं लगी तो पर पुरुष आके मोरियाज ये आस पास में इस समय मत रहे भैया औ कोनो कहूँ मैं आकर के आबो करे घर कुरिया बनाबो करे ते ही अग्नि के धार में वो घर राख बन जाए कई करके बजरा सरापे लगी भैया जी ए जगह में मैं बस्ती बसन नहीं था ए कह के प्रण करके बैठ गए आसन लगा के अंदर मोती माता बनावे ठकुरिया वो मुड़ा तय बनावे तब वो नहीं चले जय जब अमरदास गुरु वो जगह में पाछे करते करते आज बारह डेरा में पहुंच गए लगी तो आसन लगा करके अंगार मती माता देख तो उसकी तरफ मुंह करके जय सतनाम कही करके जपन करत रहे भाई रागी भैया हो गए जब आज अमरदास गुरु है वो मंदिर के तीर में गीतो अग्नि के ज्वाला बरे लगी भैया जान डरी अमरदास कहे हाँ। यही बात मैं सोचत रहे अंगार मोती जय हो अब तय सत में अटल परण कर दे ये डहार मोर जोग पूरा हो गए अब मोरो याज मनो काम पूरा हो ही कही के अमरदास गुरु कुछ दिन अलग मंदिर में पधारे ओला बाबा घासीदास जान के कहे हाँ। मोर बेटा बहू कहाँ है पता लगा ले भाई पता लगाते लगाते जब जाके देखी हाँ। तो बारह डेरा के तरिया के पार में बाबा घासीदास अपनो कुछ दिन आसन लगा के बैठ के यो बेटा बहुला देखे लगे ओके बाद भंडारपुरी आ गए प्रतापपुर हिन माता ला छोड़ के अमरदास गुरु Yeah.
सोचे लगी हाँ ए भाई काए हो दोनों मुड़ा में गंगा धारे बहत भाजी पीते है दिलवा कैसे का खर पाँव रखाए तो देख ले। जब दोनों गांव के निवासी बना के पाँव के निशानी ला देखी हाँ कैसे यहाँ तो आज महापुरुष के पाँव रखाए मगर ये नदी है बराबर रही ए महापुरुष से मेरे खड़े तो नदी है दो धार बना के और ये जगह पुलक के उम्र एक धार बने मगर दोनों गांव के निवासी कहा कम करे है सबो देवता नारियल नहीं फूटे आखिरत में जब अमरदास गुरु के नाम से जब नारियल मड़ाई तो ये टुकड़ा नारियल जेला फूटा गए भैया ऐसे मोटा दीदी गा वो ये आगे भाजी जय हो बाबा या माता सुनो ओखा दे जय का गाए दे लगन लगे भाजी या अमरदास करा नाम से तो लगी मोतिमपुर के निवासी और सोनपुरी के निवासी में वो जगह अटल परन करी चे जगह में अमर टापू के नाम से मंदिर बनी और यही जगह इस समय की मेला भरा ही आएगा वो जगह आज इस समय
सेवा टापू से जाने जाते और 18 दिसंबर के मेला भरा मेला होते जुड़ा जे थाम लहरावा थे भाई रागी जला देखना है तो जाके 18 तारीख के तुमन दिसंबर के देख सका हो तो कैसे जाते ये भंडारा पूरी जाबो गिरौदा पूरी जाबो वो झंडा पारा खावा खामना चढ़ के निकल गए रागी चलते चलते बाबूजी अब वहाँ ला छोड़ के बड़े बड़े आज इस समय नंदी नाला और आज गांव राज लच के आज पार करते करते अमरदास गुरु रहे तो आए लगी हरे हरे अपन महिमा दिखाए लगी रागी भैया गांव गांव में मानो प्राणी मला ज्ञान बताए लगी सबके मार्ग चलाए लगी समय की आपस ये सिमगा के पास में पहुंच गए और सिमगा चलते चलते यहाँ सिनात नदी को पार करके दुलरवा नाम के हाथी में आज वहाँ पर में आवत है भाई रागी भैया आज इस समय की वहाँ टेमरी बस्ती है तिरैया नाम की बस्ती है वो जगह में राका कठिया है जेकर तिर में आज कीरतपुर नाम के गाँव है भैया गुरु आवत है गुरु के वंशज आवत है कई करके देख तो गांव के समाज मन निकल करके गुरु के चरण पखारे लगी और आभाव रास्ता ला समझे लगी भैया जी ए समय कैसे आज इस समय अमरदास गुरु के जब साधक के झंडा ला देखे कीरतपुर के निवासी मरिए आज गांव बस्ती के मान आरती सजा की बाबा के चरण के किया आरती लेके और चरामृत लेके देख दो भाजी अपन ये कायक के मुक्ति बनाए लगी तब ओखर बात ला सुन करके कही तुहर हाथ में मैं एक दिन अमृत ला करके और देखा करके अब समाज ला मैं अमर करूं कही करके प्रण करे लगी ये भाव भजन ला देखते आज इस समय की वहाँ गुरु अमरदास कहे संत जी एक दिन आया मारी ताला बाबा मैया
सत्यनारायण की पुजारी है रागी। ओ मैया जी जाके किरतपुर के वो पार आज इस समय की चटवा नाम के बस्ती है। बाबा नंदी के टाटे में गा कुटी गो बाबा, नंदी के किनारे भक्ति माता अपन याद छोट से कुटी बनाए। जय हो वही जागा राम माता बैठे गा चढ़ के अमरदास गुरु जानडरी धन्य दाई भक्ति। मैं तोरे जगरिया के और तोर हाथ के प्रसाद पाहूं मैया। प्रसाद तो पावे करवे पर नदी के वो पार भक्ति माता है। ये भैया ये केवट है ये डोंगाल मूल वो पार न खा दे बोला हाँ। सुन के आज इस समय की वहाँ पर मैं यार डोंगार कहे भैया आते ये जगह में हाथी ला बांधा था और ये नदी ला तय डोंगा ला पार करेल कहा था तय डोंगा के कीमत देवे तब मैं पार करूंगा। तो कैसे मोही भर लाना काबे जी। हाँ हाँ नहीं ये हाथी शुद्ध मोला वो पार गंगा न काबे तब काम है बनी। मगर तो यार ये हाथी कहा था तो तोला कीमत देवर लगी। भाई कीमत तो नहीं देवा पर ते मानो मानो मनुष्य समझत होबे तो तोर डोंगा लाए और डोंगा में हाथी सुधा चढ़ा के ये शिवनाथ नदी न का दे। उसका बात ला सुने लगी डोंगार आज इस समय की वहाँ पर मैं कहे भैया मैं पार नहीं लगा तोला नकल है ना तो ते जा मांग सकत है। उसका बात ला अमरदास सुनीता ता हाथी सुधा नहका थे कैसे रागी भैया अरा रा 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 भैया का सना ना 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 दे भाई मुझे कैसे बाजा के भैया का ये ते चला ना ना ये भाई मुझे सता नम भैया का जय तो कारा का जागे भाई मुझे सत्य का नाम ये के सुब्रा ना भाई जलाया देगा कार्य भाई भाई आदि में चढ़ के अमरदास गुरु सत्य ध्यान करे सतगुरु आए रही देखर चरण लक्ष्मी बन मैं चंडाल गवा डरे सतोरी असन ये भागा नहीं पावे नहीं नहीं भैया ओ जगह में जब हाथी नदी ला पार करी हाँ। तो जरा भी वो कर पाए समय संत थोड़े सीरा पटा पटा करो भाई पत्थर चरणों में पता ले ले भैया
अमरदास गुरुला सुंदर सेठ के गद्दी में बैठार के भोजन परोसे। अमरदास बाबा जब भोजन खा के तैयार तो सोना बन गए। आज इस समय देखे लगे के ओहो बेटा कैसे आज मोरिए अभागिल्ला तय तार लिए बेटा तार लिए गांव के मन सुधा करके मोला निकाल दे है बेटा टोनी है भूत ही है कह के। अमरदास कहे दाई तोर हाथ के मैं भोजन खा लिया तीन दिन और तीन रात हो के मैं सोए नहीं हूँ। आज तो नहीं सोए पर ओखर हाथ के भोजन कतका पल लगी के स्वयं में माता से पूरा पोरसा थे का आज के पल लगी भैया। तय अगर ककरो घर में भोजन पावत है चपन हृदय में जौन रूपी से माता समझ के तय भोजन पावे तो अपन माता के हाथ के और भोजन के सुरता लगी। अमरदास गुरु कहे मैया मैं आज जगह में सोह आज तीन दिन बिना मैं नहीं उठाऊ मैया जी कोई प्रकार के कोनो पूछी हाथी के नाम लेके आही तब मत बता दे मैया कह करके बार बार सियानी माता भक्ति नबर जेल गी भाई तुलरुआ नाम के हाथी ला पीपर की झाड़ में बांध दी घंटी बंधाए। अमरदास गुरु रहे तो सेठ
के आज इस समय सिंहासन लगा के और आज इस समय की जब वो जगह में सोई और सोने के बाद में सतलोक अमृत के लिए बाबा जी चले गए। इसी बार क्या होते अमरदास को रुक लगाते समाधि खड़े है वो करहादी बोला छोड़ दे छोड़ के अमरदास गुरु लगी के समाधि खड़े थे वो कर हाथी बोला छोड़ के ढाई दिन बीते हवे। जय हो जय हो। आज ये समय के अमरदास गुरु रहे तो सुंदर सोए और दाई दरवाजा ला बंद करके भक्तिन बाहर में बैठे। गिरिपुर के गाड़ा का उठे दिन हाँ आए लगी जो हाथी के पता लगावा वो मैं आ रिच मन खेते कहा कह करके आदेश दे दी पटेल्ला। आज इस समय की वहाँ पर मैं चटवा के ये किरतपुर के मान कहे ये हाथी में चढ़ के ये कहाँ गई पता लगावा अब तो बड़बस्ती जाओ घर घर खोजाओ मगर घर घर खोजी तो घर घर नहीं मिले नहीं कोई आज भक्ति माता के घर में चले गए नहीं वो तो नहीं घर चला वही छखाए हो है वो करे जगह में हाथी बंधा है कई के गांव बस्ती के मन आगे जय हो जय हो के बोला पूछे लगी ये हाथी में चढ़ के आते कहाँ गए तेला बता दे नहीं नहीं भाई वो हाथी में ऐसा तैसन मन के मन नहीं आवे दादा और मोर घर में वो हाथी के सवार वाले मन के नहीं आए नहीं आए नहीं आए भाई जानदरी भक्ति माता समाधि लभंग करे बरावत है आज कहे ये हाथी की सवारी होने वाला कहा तेला मोला पता नहीं नहीं मैं नहीं जाना काबर
तीन दिन बिदरे कर हाथी के सवारी होने वाले हा, मोर दुआरी नहीं आवे दादा, तीन दिन के बाद आही। उसका बात ला सुन के हाँ। अरे यकर घर ला देखा, ये ला नहीं खोला धक्का दादा, रानी नाथी ना ठोम हा खोजी धरे हम, चोरहा के ले जही ते खर से थी। ए नौकरी आये वो चाहते वही दरवाजा ला खोलना लाज भैया मोरी, साबर के हुता मा दरवाजा तोरे भाजी, अंदर में जाके देखना लगे भैया मोर, बाबा गया मा दादा से सोए भाई, आखन दामा दी वो खल लगे रहे भैया जी, तेते के कपड़ा गुरू ओढ़े रहे भाजी, तेते के कपड़ा के हटीकत नहीं बने कहके रागी भैया। आज जब जाके देखी तो अमरदास बाबा सेठ की आज इस समय की वास में सोए हैं। ये याजी जी सतलोकी अमृत भर गए हैं। वाजी वाजी ऐसा ये सल पापी दुश्मन मन जाके या सियान मातल कहे ताई ला खा दे और खा के ये ला यो ताई ठाट ला रखे कहके आज इस समय बोले लगी माता भाई कबर आज समय माता कहे नहीं एला तुम मत जगावो एला मत जगावो मगर कहे अरे यह मर गए ये हो नहीं मरे ये तुहर जानना गलत है सुन के याद भक्ति माता कहे हाँ। मोरे सुन ले हा भाई सब डाला यही से जय हो भाई धाना पुल होगा बेटा आह जी एक रिया देगा ये दे जय हो भाई ये समाधि लगे जा कर भाई ये समाई गएगा वही।
गुरु आही कहके जी।